challenge. That's 1 minute momo eating challenge with my siblings. तो ये हमारा momo eating challenge जो sponsored by momo nation cafe Cantro और अविनाश जी ने इसे sponsor किया है और इसका location की बात अगर करें तो ये खगौल रोड में है opposite of DAV खगौल और between aqua water park and radiant international school आप easily यहाँ पे आ सकते हो और easily आपको एकदम road के पास में ही है वो easily आपको पता चल जाएगा और इसका main location है वो आपको screen पे भी मिल जाएगा और in the description box also I will put the location तो आप easily यहाँ पे आ सकते हो और यहाँ के amazing food को taste कर सकते हो लास्टली मैंने ये भी बताया था कि जो जीतेगा उससे कुछ गिफ्ट मिलेंगे और जो हार जाएगा उसे पनिशमेंट मिलेगा तो ये भी आगे लास्ट तक अगर आप देखिएगा ब्लॉग तो आपको पता चलेगा कौन जीतने वाला है कौन हारने वाला है और किसे क्या पनिशमेंट मिलता है किसे क्या गिफ्ट मिलता है तो बने रहिएगा हमारे ब्लॉग में आगे तक और देखिएगा काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है काफी मजा आने वाला है हैं हमारे दो कंटेस्टेंट मिस कजरी पांडे एंड मिस गौरी पांडे सो आर यू रेडी गाइस ओके तो लोगों से जानना चाहती हूँ कि आपको मोमोज कितने पसंद हैं मोमोज बहुत पसंद है मोमो तो एक्चुअली आई एम अ बिग फूडी सो व्हाटएवर यू विल बी आई विल बी गिवन आई एम गोना ईट एवरीथिंग कैन आई ट्राई माय बेस्ट वो तो बाद में देखेंगे कि आप लोग कितना खा पाते हैं मुझे पता है कि यही जीतने वाली है बट मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं खा सकूं आई एम रियली एक्साइटेड फॉर क्या क्या आपको मोमोज पसंद है पसंद तो है ही पसंद है लेकिन तो क्या लगता है कि एक मिनट में कितने मोमोज खा पाओगे आप लोग लेट्स सी विल ट्राई फाइव आई विल ट्राई माय बेस्ट फाइव एंड व्हाट अबाउट यू सेवन ओके तो खजरी का टारगेट है फाइव और ग्लोरी का टारगेट है सेवन सो लेट्स सी इन वन मिनट हाउ मेनी मोमोज आर गोइंग टू ईट तो ओके सो आर यू गाइस रेडी सो लेट्स स्टार्ट गो चैलेंज के अगले दो कंटेस्टेंट की जो है प्रयास पांडे और लोरी पांडे अप्लॉज तो क्या लगता है आप लोगों को एक मिनट में आप लोग कितने मोमोज खा सकते हैं मुझे नहीं
खाने का तो नहीं पता लेकिन पिछली बार की तरह जीतने की कोशिश करेंगे। ओके सो आप लोग ये बताइए कि क्या लगता है आप दोनों में से किसको ज्यादा पसंद होंगे मोमोज? मोमोज पसंद है ज्यादा तीखे ना हो और प्लेट में वैसे स्टीम है मुझे फ्राई पसंद है। वाह क्या बात है, चलिए फिर देखते हैं तो ये चैलेंज कौन जीतता है। तो अब आपका समय शुरू होता है अब। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि हमारी विनर जो 8 मोमोज खाकर की ग्लोरी पांडे है और जो हमारी लूजर है वो हमेशा की तरह खजरी पांडे सिर्फ 4 मोमोज उन्होंने खाए हैं। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिसाइड किया था कि जो फूड चैलेंजेस होंगे तो उसमें हम लोग विनर और लूजर को एक गिफ्ट और एक पनिशमेंट के तौर पे कुछ देने वाले हैं। तो जो विनर है उसे मिलेगा मीठा मीठा सब चॉकलेट और जो लूजर है उसे खाने पड़ेंगे 5 मोमोज विद सबसे तीखी वाली चटनी जो मोमो चटनी होती है वो। और जैसा कि कजरी पांडे जो लूजर है उन्हें तीखा बिल्कुल भी पसंद नहीं है तो उनके लिए ये बहुत ही बड़ा सा पनिशमेंट हो जाएगा। तो ये काफी मजा आएगा देखने में कि कैसे वो लोग खत्म कर पाते हैं, जो लूजर है वो खत्म कर पाती है ये 5 मोमो स्पाइसीस चटनी के साथ। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं उनका पनिशमेंट और जो विनर है उनके गिफ्ट के साथ आगे का ब्लॉग। तो जैसा कि कस्टमर्स यहाँ पे बता रहे हैं कि यहाँ की फूड क्वालिटी बहुत अच्छी है और सारे ही मोमोज वैरायटी ऑफ मोमोज अच्छे हैं और अदर आइटम फूड आइटम भी अच्छे हैं। तो अब इनसे भी जानते हैं आपका नाम क्या है बाबू? अद्वित मिश्रा। ओके आपको क्या पसंद है यहाँ पे? तो फिर ये लोग काफी खुश है, हैप्पी कस्टमर्स आर हियर विद अस। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब हमारे पास एक और कस्टमर है यहाँ के जो रेगुलर हैं और इनसे जानते हैं यहाँ
नेशन कैफे का सबसे बढ़िया है क्रिस्पी मोमो आता है, चिकन क्रिस्पी, वो बहुत बढ़िया है, सबको ट्राई करना चाहिए यहाँ पे। और नूडल्स बहुत अच्छा है, जो एक तरीके का नूडल्स होना चाहिए और जगह मिलता है, लेकिन यहाँ नूडल्स में कुछ अलग ही है, तो प्लीज ट्राई कीजिए, बेस्ट चीज है यहाँ पे, अच्छा मिलता है, आप एक बार ट्राई कीजिए आप प्लीज। तो सर का रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे नूडल्स काफी अच्छे हैं और क्रिस्पी मोमोज जो इनका फेवरेट है, यहाँ पे हमेशा ये ट्राई करते हैं, तो ये आपके लिए इनके तरफ से रिकमेंडेशन है, तो आप यहाँ जरूर आए और जरूर ट्राई करें इनके रिकमेंडेड आइटम्स जो है वो। थैंक यू सो मच। तो आप लोगों को कैसा फील हो रहा है विनर को जीतने के बाद और लूजर को भी हारने के बाद? आप बताइए कि आप आपको क्या गिफ्ट मिला है और आपको क्या पनिशमेंट मिला है, आप लोग खुद अपने मुंह से बताइए। सो आई गॉट अ चॉकलेट, अमूल चॉकलेट फ्रॉम अविनाश जी, ओनर ऑफ दिस कैफे, एंड यूसेफ आप लोग देख ही सकते हैं मेरी शक्ल बता रही है मुझे क्या मिला है। सर थोड़ा जोर से बोलिए, आवाज ही आ रही है, नहीं और थोड़ा जोर से बोलिए ना। कुछ स्पाइसी मोमोज मिले हैं मुझे खाने के लिए, स्पाइसी चटनी के साथ, जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा पनिशमेंट है, जो लोग मुझे जानते हैं। और आपको ये मोमोज उस चटनी में पूरी तरीके से डिप करके खाना है, तीखी वाली चटनी। तो लेट्स स्टार्ट, चलिए अच्छे से जो विनर है देखेगा कि वो चीटिंग तो नहीं कर रहा है। ये काफी अच्छे तरीके से अभी और डिप होगा वो, ये क्या बात हुई, ये देखो यार इतना तो हो गया, नहीं और भी डिप करो, चढ़ा खाइए खाइए, पांच खाना है तो जल्दी जल्दी खाइए। बिल्कुल स्पाइसी नहीं लग रहा, और डिप करो तो ठीक नहीं है, और भी डिप करना है, पनिशमेंट है ये आपका। मेरे को ऐसा लगता है कि सारे फूड चैलेंजेस में तुम ही हारने वाली हो और तुमको ही सारा पनिशमेंट करेगा। यू कैन डू इट कजरी, पांच ही मोमोस तो है। बिना पानी का नहीं, नहीं 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 बिना पानी का खाइए खाइए, आपको खाना पड़ेगा। हम खा ले क्या, ये क्या था? नहीं नहीं नहीं, तुम क्यों खाओ, कजरी खाओ, बहुत ही खपा रहे भगवान। अरे यार, अरे वैसे करते हैं ना, अरे तो कम से कम मोमोज ही का फिनिश कर दो, पांच ये बेचारी रोने। ये सब दिखाओ। तो तुम बता दो ग्लोरी की ये फिनिश नहीं कर पाई है, तो क्या मैं करूं? नहीं नहीं बता दो, बेचारी रोने लगी। अरे 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 अरे, तो फाइनली कजरी पांडे को जैसा कि आप देख सकते हैं रोना स्टार्ट करती है, इतना तीखा था चटनी, तो उनके पनिशमेंट को पूरा करने आ चुके हैं प्रयास पांडे, देख सकते हैं आप लोग। देखते हैं प्रयास खा पाते हो कि नहीं, इतना तीखा है सच में। ज्यादा तीखा है प्रयास, तीखा नहीं है, सारा लाइन पूरा वो करते हैं। आप कॉमेंट में बताइएगा कि आपको ये फूड चैलेंज कैसा लगा और हमें और कौन कौन से चैलेंजेस ट्राई करने चाहिए वो भी बताइएगा हमें कॉमेंट सेक्शन में। और हमारा जो ये पनिशमेंट और गिफ्ट वाला था, तो गिफ्ट तो चॉकलेट था, वो ग्लोरी पांडे ने फिनिश कर दिया, बट जो पनिशमेंट था कजरी उसे नहीं फिनिश कर पाए, जो पांच मोमोस थे और स्पाइसी चटनी के साथ खाना था उन्हें वो नहीं खा पाए, तो उनके चैलेंज उनके पनिशमेंट को पूरा किया प्रयास ने। और हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि आगे के सारे फूड चैलेंजेस में कजरी मिस कजरी पांडे डिस्क्वालीफाई हो गई हैं, क्योंकि वो बिल्कुल भी खा नहीं पाएंगी, आगे के सारे चैलेंजेस नहीं कर पाएंगी और हमेशा हारेंगी और हमेशा फिर लास्ट में पनिशमेंट वो पूरा नहीं कर पाएंगी और रोने लगेंगी इस वीडियो। तो आगे के सारे फूड चैलेंजेस में
क्वालिफाई होती है जस्ट के नजरी पांडे जस्ट के ओके तो आप बताइएगा हमारा ये फूड चैलेंज कैसा लगा आप लोगों को और ये फिर से एक बार बताना चाहूंगी स्पॉन्सर्ड बाय मोमो नेशन कैफे कैंट रोड और अगर आप यहाँ आ चुके हैं तो फिर से दोबारा आइए और अगर नहीं आए हैं तो लोकेशन दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इवन ऑन द स्क्रीन आप जरूर विजिट करिए ये प्लेस काफी अच्छा वैरायटीज ऑफ मोमोज के लिए और भी डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम्स है लाइक बर्गर तंदूरी चॉप और चॉप्स और चाइनीज आइटम्स एवरीथिंग इज अवेलेबल हियर सो यू कैन डेफिनेटली कम एंड विजिट दिस प्लेस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज थैंक यू सो मच और ऐसे मजेदार वीडियोस देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब लोई मार्ट बाय तो मुझे चॉप क्या करना पड़ेगा